आज की ये वीडियो रहने वाली है Redmi Note 8 Pro के कैमरा सैंपल्स के बारे में। हर तरह के कंडीशंस में Redmi Note 8 Pro का जो कैमरा है वो किस तरह का परफॉर्म करता है, इंडोर कंडीशंस में, फ्लैशलाइट के साथ, नाइट कंडीशंस में, आउटडोर कंडीशन में, हर तरह का इसका किस तरह के जो चारों कैमरे हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, आज की ये वीडियो उसी बारे में रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये Redmi Note 8 Pro के कैमरा सैंपल्स हैं, ये आउटडोर के कुछ सीन्स हैं, बड़ी बेहतरीन इनकी क्वालिटी आ रही है Redmi Note 8 Pro के कैमरा सैंपल्स की। ये अलग अलग ये शूट्स किए हुए हैं, ये वाइड एंगल का आपका जो लेंस है ये वाइड एंगल से शूट किया हुआ है, ये आपका मैक्रो लेंस है, मैक्रो लेंस में भी काफ़ी बेहतरीन इसकी क्वालिटी आ रही है Redmi Note 8 Pro के कैमरे की। ये देखिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपका बढ़िया दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड का जो फोकस है वो डी फोकस बड़े प्यार से किया हुआ है, स्मूथ है काफ़ी। ये 64 मेगापिक्सल के कैमरे की पिक है जो देख सकते हैं कि क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी इसमें आ रही है। ये कुछ वाइड एंगल शॉट्स हैं, ये देख सकते हैं वाइड एंगल शॉट्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी ब्यूटीफुल इसने शूट किए हैं Redmi Note 8 Pro ने। ये वाइड एंगल लेंस है, सामने से सन की रोशनी आ रही है लेकिन उसके बाद भी ब्लैक्स काफ़ी अच्छे शो हो रहे हैं इसमें। ये देखिए ये नॉर्मल इमेज है इसके 16 मेगापिक्सल कैमरे से। आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा से अगर आपको पिक लेनी है तो आपको स्पेशली करना पड़ेगा, वरना नॉर्मली ये 16 मेगापिक्सल से ही पिक खींचेगा। तो ये देखिए सामने सूरज पड़ रहा है लेकिन उसके बाद भी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। तो एक ख़ास बात है इस कैमरे की, काफ़ी अच्छी डिटेल्स इस कैमरे में आती हैं। ये देखिए ये सीनरी आ रही है किस तरह का, आप देख सकते हैं ऊपर आसमान कितना खिल के आ रहा है और नीचे थोड़े से, हालांकि इस फोटो में कलर थोड़े से डल हो गए हैं, नीचे पहाड़ के ज़्यादा ही ब्लैक हो गया है लेकिन अच्छा है, कलर ठीक आ रहे हैं। ये कुछ और सैंपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इन फोटोज़ के बाद हम इनकी वीडियो का सैंपल भी लेंगे कि ये आपका जो कैमरा है ये वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह से करता है, कैसे परफॉर्म करती है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह से आती है। ये वाइड एंगल लेंस के सैंपल्स हैं। ये नॉर्मल कैमरा के सैंपल्स हैं, 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसका, ये उसके सैंपल्स हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन इसकी कलर आ रहे हैं, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर बिल्कुल खिलकर इसके आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारी फोटो इसके नॉर्मल कैमरे से ही खींची हुई है। ये आपका ये नॉर्मल कैमरा है, ये इसी का वाइड एंगल लेंस है, ये नॉर्मल 16 मेगापिक्सल से पिक ली हुई है। ये वाइड एंगल लेंस से फोटो खींची हुई है, ये फिर वही नॉर्मल कैमरा आ गया है 16 मेगापिक्सल का। ये नॉर्मल लेंस है, ये इसी का वाइड एंगल लेंस है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल लेंस और वाइड एंगल लेंस में कितना अच्छा खासा डिफरेंस है, इसका वाइड एंगल लेंस कितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो है वो कवर कर सकता है। ये देखिए क्या बेहतरीन फोटो ये आई है इसी Redmi Note 8 Pro के कैमरा से। ये 64 मेगापिक्सल से खींची हुई ये पिक्स हैं। अभी कुछ आपके इंडोर सैंपल्स हैं इसी कैमरे से, इंडोर में किस तरह के परफॉर्म करता है। नॉर्मल 16 मेगापिक्सल का ये सेंसर है, ये वाइड एंगल लेंस है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और इसी का ये वाइड एंगल लेंस है, ये नॉर्मल है, ये 64 मेगापिक्सल की क्वालिटी है, ये भी 64 मेगापिक्सल का फ़ोटो है, ये भी 64 मेगापिक्सल का फ़ोटो है, ये नॉर्मल 16 मेगापिक्सल का है, ये वाइड एंगल लेंस है, ये
एक क्लोज़अप फ़ोटो है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये वाइड एंगल लेंस है, ये 64 मेगापिक्सल का सेंसर से फ़ोटो खींची हुई है, ये भी 64 मेगापिक्सल, ये थोड़ी सी और अच्छी लाइटिंग में खींची हुई फ़ोटो है, ये नॉर्मल है, ये वाइड एंगल लेंस है। अभी कुछ आप नाइट सैंपल्स देख लीजिए कि इसमें नाइट में ये कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। ये नॉर्मल है, ये आपका वाइड एंगल लेंस है, ये 64 मेगापिक्सल लेंस से खींची हुई फ़ोटो है, ये भी इंडोर कंडीशंस में फ़ोटो खींची हुई हैं, इंडोर में ऑब्जेक्ट किस तरह के आते हैं, नाइट में कम रोशनी में खींचे गए फ़ोटो हैं, ये विद फ्लैश है, फ्लैश के साथ ये खींची हुई फ़ोटो है, ये क्लोज़अप करके खींची हुई फ़ोटो है, ये नॉर्मल है, ये 64 मेगापिक्सल की फ़ोटो है, ये देखिए 64 मेगापिक्सल की फ़ोटो इस तरह से है, ये नॉर्मल 60 मेगापिक्सल की खींची हुई पिक है। ये मैक्रो लेंस से खींची हुई पिक है, ये नॉर्मल है, ये 64 मेगापिक्सल नॉर्मल, ये नॉर्मल। अभी कुछ हम आउटडोर कंडीशंस की ये पिक देख सकते हैं कि किस तरह का इसका कैमरा है ये परफॉर्म करता है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में। ये नॉर्मल पिक है, ये इसी का वाइड एंगल लेंस से खींची हुई पिक है, ये मैक्रो लेंस है, क्लोजअप से इसमें खींचा हुआ है, ये 64 मेगापिक्सल की पिक है, ये नॉर्मल लेंस है, ये वाइड एंगल लेंस है, ये मैक्रो लेंस से खींची हुई पिक है, ये नॉर्मल, ये आपका 64 मेगापिक्सल, ये नॉर्मल, ये इसी का वाइड एंगल लेंस, ये इसी का 64 मेगापिक्सल लेंस। फोकस काफ़ी इसने अच्छा किया हुआ है, ये आप लीव्स पत्तियाँ देख सकते हैं, इसी का ये 64 मेगापिक्सल से खींची हुई फ़ोटो है, ये इसका मैक्रो लेंस है, ये देखिए इसमें मैक्रो लेंस से खींची हुई ये फ़ोटोएँ हैं, ये नॉर्मल 16 मेगापिक्सल, ये इसी का वाइड एंगल लेंस, ये मैक्रो लेंस। ये नॉर्मल है, ये इसी का वाइड एंगल लेंस है, ये डेप्थ सेंसर, ये मैक्रो लेंस है, ये नॉर्मल है, ये मैक्रो लेंस, ये वाइड एंगल लेंस, ये नॉर्मल, ये वाइड एंगल, ये 64 मेगापिक्सल। ये इसका डेप्थ सेंसर से खींचा हुआ है, बोके इफेक्ट काफ़ी बढ़िया आ रहा है, ऑब्जेक्ट को इसने अच्छी तरह से फोकस किया हुआ है, बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी अच्छी तरह से इसने किया हुआ है, ये 64 मेगापिक्सल का इसका फोटो है। 64 मेगापिक्सल में भी इसने बैकग्राउंड फोकस, डीप फोकस काफ़ी बेहतरीन किया हुआ है, तो ये बढ़िया बात है कि आप 64 मेगापिक्सल में भी आप जो डेप्थ सेंसर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मल में भी ये आपका डेप्थ सेंसर से स्पेशली किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल है, इसी का वाइड एंगल लेंस है, क्लोजअप है, ये 64 मेगापिक्सल कैमरा। ये इसी तरह से फ़ोटो खींचे हुए हैं, ये है नॉर्मल 60 मेगापिक्सल कैमरा, ये इसी का वाइड एंगल लेंस है, ये 64 मेगापिक्सल कैमरा है, ये क्लोजअप फ़ोटो है, मैक्रो लेंस, ये नॉर्मल, ये इसी का वाइड एंगल लेंस, ये नॉर्मल, ये इसी का वाइड एंगल लेंस, ये क्लोजअप, ये 64 मेगापिक्सल, ये मैक्रो लेंस से खींची हुई पिक है, ये भी ये 64 मेगापिक्सल कैमरे से खींची हुई पिक है, ये नॉर्मल है, ये वाइड एंगल लेंस है, ये बैकग्राउंड डीप फोकस काफ़ी इसने बढ़िया किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरह से इसने ये कैप्चर किया हुआ है, ये वाइड एंगल लेंस है, ये 64 मेगापिक्सल कैमरा। अब हम इसके मैक्रो लेंस नाइट में आपको दिखा देते हैं कि मैक्रो लेंस का क्या कमाल है, ये फ़ोटो देख सकते हैं, नाइट की फ़ोटो है ये विद मैक्रो लेंस, ये देखिए ये मैक्रो लेंस किसकी फ़ोटो है, ये नॉर्मल फ़ोटो हैं, ओरिजिनल ये थी। ये अब आप कुछ सेल्फी के शॉट्स देख सकते हैं, सेल्फी इसमें किस तरह की आती है, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा है, तो सेल्फी आप ये देख सकते हैं, तो सेल्फी इमेज भी काफ़ी इसमें बढ़िया आ रही है, पीछे बैकग्राउंड डिफोकस काफ़ी बढ़िया किया हुआ है, ऑब्जेक्ट को इसने काफ़ी अच्छी तरह से फोकस में लिया हुआ है। अभी इसका वीडियो सैंपल है, वीडियो सैंपल आप देख सकते हैं इसका।
ये ऑडियो भी इसी वीडियो की इसी कैमरे की है। तो इमेज सैंपल से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका इमेज स्टेबलाइजेशन किस तरह का है। ये इसकी टाइम लैप्स वीडियो का सैंपल है। ये इसकी स्लो मोशन वीडियो का सैंपल है कि स्लो मोशन किस तरह की ये वीडियो है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया स्लो मोशन वीडियो ये कैप्चर करता है। ये देखिए अभी आप सेल्फी की वीडियो सैंपल देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरे से वीडियो जो सैंपल है वीडियो किस तरह की आती है। तो ये थे Redmi Note 8 Pro का कैमरा सैंपल, कैमरे की जो इसकी सिचुएशन में हर तरह की सिचुएशन को डील करने की इसकी कैसी काबिलियत है। हमने आपको हर तरह की सिचुएशन कोशिश की कि आपको दिखा सकें कि नाइट में 64 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को, सीनरीज को ये किस तरह से कैप्चर करता है। तो बस यही था, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।